इंसान मुक्त भारत एक बहुत बड़ा व्यापक इंसानियत का उद्देश्य लेकर चलने वाला संगठनों का समन्वय, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है बहन भाई, ये हमारे नारे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने आज के देश के हालात में ऐसा एक मुद्दा उठाया है कि जो श्रमिकों का एक अहम मुद्दा है और देश की अर्थव्यवस्था को संविधान के चौखट में अगर देखा जाए तो जो बर्बादी भुगतनी जा रही है उसका भी एक अहम आधार है। हम देख रहे हैं देश के हालात क्या है। हम केवल नर्मदा बचाओ नहीं कर रहे हैं, पर नर्मदा को बचाना आज भी जरूरत है। 38 साल के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हुई है क्योंकि वो एक प्रकार से फेल हो गया है। 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके बना हुआ बांध, इसने आज गुजरात को भी ध्वंस किया है, 150 मध्य प्रदेश के गांवों को ध्वस्त किया है, कच्छ के किसान एक भी किसान को सिंचाई नहीं दी। पर साथियों, आज देश के हालात देखकर देश बचाओ देश बनाओ ये नारा नहीं, एक संकल्प की जरूरत है। ये बात तो सभी ने रखी है। और हिंसा एक ऐसा मुद्दा है कि जो यूक्रेन और इसराइल पैलेस्टाइन के बीच में जो हम देखते हैं, तब दिल दहला जाता है। बच्चों की हत्या इंसान करते हैं, ये कैसा हो सकता है? और हम कितने सत्ताहीन हैं, ऐसा लगता है। और सत्ताधीश एक नए प्रकार से हिंसा का समर्थन करते हैं, ये भी एक बहुत ही धक्कादायक बात हम महसूस करते हैं। पर आज इसीलिए हमारे देश में आजादी आंदोलन से लेकर हर जन आंदोलन जो अहिंसा के पथ पर चलता है, जो सत्याग्रही बनकर चलता है, उसने गांधी, बाबा साहेब, महात्मा फुले, सावित्रीबाई और फातिमा शेख, कार्ल मार्क्स, सभी के मार्गदर्शन को एकत्रित लाकर एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की बात सोचना ही नहीं, उसके लिए लड़ना भी जरूरी है। मैं मानती हूं कि लड़ना जरूरी है, लेकिन क्या दलीय चुनावी राजनीति के द्वारा ही लड़ना जरूरी है, या राजनीति का जो व्यापक अर्थ है जनता और सत्ता के बीच का संबंध ठीक करना, जो हमारी जन आंदोलनों की राजनीति मानती है, और इस प्रकार के एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा को भी अपनाना बेहद जरूरी होता है। विरोधी दल की भूमिका के बारे में सवाल उठाया तो हम ही है विरोधी दल, जहां भी जो भी गलत होता है, ये संविधान को कुचला जाता है तो हम खड़े होते ही है। आपको बताओ, राहुल गांधी जी की यात्रा में भी हम लोग कुछ कहने ही गए थे कि भाई ऐसा होना चाहिए, राजनीति और जन आंदोलनों के बीच का संबंध और उसके लिए ऐसी होनी चाहिए संरचना और अलायंस होना ही है तो ऐसा होना चाहिए अलायंस, आइडियोलॉजी के सिद्धांत के आधार पर जो इस चौखट में ही तय हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जादू तो नहीं होने वाली है यात्रा से, हम भी जानते हैं अगर हमारी गलती हुई, क्योंकि एक पार्टी के अंदर भी सबको नहीं समझा सकते हैं सब बुद्धि, वो जल जंगल जमीन का मुद्दा हो या ठेकेदारी के प्रथा का मुद्दा हो, क्योंकि कोई ना कोई उसमें भी लाभार्थी बन जाते हैं, बनाए जाते हैं विभाजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम गलती हुई तो आप ही सामने खड़े हो जाए, बिल्कुल, हमने कहा क्यों नहीं। आज आसाम से केरल तक हमारे जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय के साथ ही लड़ने के लिए मजबूर है, पर मजबूर नहीं है, मजबूत एकता और समन्वय के साथ लड़ते हैं। क्योंकि आज सही है जो माइकल साहब ने बात हुई, केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, एक साल में 300 ईसाइयों पर हमले हुए, घर ध्वस्त हुए हैं, मुस्लिम समाज तो क्या भुगत रहा है ये देखकर दिल जल उठता है। और अल्पसंख्यक कहकर एक अपमानित करना हमको तो मंजूर ही नहीं। राजनीति तो संख्या की गिनती पर चलती है, वो जाति के हो या मजहब के हो,
हम तो जाति निर्मूलन के पक्ष में हैं और हम सर्वधर्म समभाव राजनीति में धर्म निरपेक्षता के पक्ष में। तो साथियों, ये अस्तित्व के मुद्दों की जो बात आज यहाँ उठाई जा रही है, ठेका प्रथा का एक मुद्दा लेकर जिसका व्यापक आर्थिक कैनवास तो मेहरोत्रा जी ने रखा, राजनीतिक कैनवास सुमित भाई ने रखा, मैं तो उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि आखिर हम लोग अगर अस्तित्व के ये मुद्दे जिसमें हर अधिकार आता है, जो संवैधानिक अधिकार भी है, केवल कानूनी नहीं और केवल संवैधानिक भी नहीं, मानवीय अधिकार की भी बात है, इनके लिए अगर जनता खड़ी नहीं होगी तो वो खुश हो जाएंगे। जो आज केवल चौकीदार नहीं, चौकीदारी करते तो देश बच जाता ना भाई, वही ठेकेदार बन गए हैं और गौतम अदानी सबके बड़े ठेकेदार। तो देश का ठेका देने वाले जल नदी जंगल जमीन रोजगार के लिए सबसे आधार रहे सार्वजनिक उद्योग, सबका ठेका देने वाले जो है वही सबसे बड़े ठेकेदार है। इनका ठेकेदारी का मामला एक ऐसे बिचौलियों तल का मामला है कि जो उनकी मुनाफाखोरी बढ़ा रही, और ये जो मुनाफाखोरी है, जो वैश्वीकरण उदारीकरण इसके पक्ष में उदार और निजीकरण, इस आर्थिक व्यवस्था के द्वारा आई 1980 से, लेकिन आज एक ऐसी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है कि उसको बढ़ावा देने वाले खुद को तो विश्व गुरु मानेंगे पर हमारे श्रमिक तो लुटेरे ही मानेंगे। तो आज ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देश की हालात में बेरोजगारी नहीं गैर बराबरी बढ़ी हुई है, और ये इतनी विभत्स गैर बराबरी ये नतीजा भी है और कारण भी है। अब देखिए कि लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में 10-10 गुना कैसे बढ़ी बिलियनेयर्स की अब्जादेशों की भी कमाई और संपत्ति, ऐसा कैसे हुआ कि लोग बेरोजगार हुए करोड़ों में और लाखों में अर्ध रोजगार भी हुए, ये कैसे कि इस देश में 1007 व्यक्तियों के पास 1000 करोड़ की संपत्ति रहती है कम से कम, पर 1% सबसे ऊंचे जो है उनके हाथ में 40% संपत्ति, ये बात तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट से आई, अब तो वो 58% तक बढ़ चुकी है। ये कैसे कि लोग न केवल किसान पर श्रमिक भी, जिनकी गिनती भी नहीं है, क्राइम ब्यूरो के पास रिकॉर्ड भी सही नहीं है, ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और वो आत्महत्या नहीं है, वो व्यवस्था ने की हुई हत्या है, ये हमको समझकर उस पर सवाल उठाना जरूरी है। हम देखते हैं इसलिए कि आज अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से रोजगार निर्माण की जरूरत है, उसके बराबर विरोधी दिशा में रोजगार विनाश की तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और बढ़ाई जा रही है। मेहरोत्रा जी, आपने कहा कि सोच नहीं है, समझ नहीं है, मुझे तो लगता है सोच है और पूरी समझ है कि इसी रास्ते से वो अपनी चुनावी राजनीति में इलेक्ट्रल बॉन्ड से कमाई कर सकते हैं, और उसके आधार पर रेवड़ियां बांटकर वोट के आधार पर नहीं तो नोट के आधार पर जीत सकते, और इसीलिए आज ये आर्थिक राजनीतिक जो गठबंधन है उसी के तहत ये बिचौलियापन और ये ठेका पद्धति सोच समझकर आगे बढ़ाई गई है और बढ़ाई जा रही है, और ये एक प्रकार की गुलामी है। बाबा साहब ने क्या नहीं कहा है संविधान में, अकेले ने नहीं, पूरे संविधान सभा ने, लेकिन पूरे देशों के संविधानों का अभ्यास करके बाबा साहब ने ये कहा था, आप अगर संविधान सभा की चर्चा पढ़ेंगे, पढ़े होंगे भी, कि जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो सभी बुनियादी अधिकार होने चाहिए,
आज उन्हें मार्गदर्शक सिद्धांत और नॉन जस्टिसिएबल कि इनको लेकर आप कोर्ट में नहीं खड़े रह सकते, ये बनाया गया, एक प्रकार से सीमांत किया गया। तो आज एक एक मार्गदर्शक सिद्धांत में जो समता और न्याय की बात शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो जो सबसे अधिक झलक रही है उसको नकारा जा रहा है। और कौन लड़ेगा इन करोड़पतियों और अब्जापतियों के सामने? क्या केवल अमेरिका की हिडन वर्ग ही करेगी? हम लोगों को ही सभी आधार पर, जिसमें ठेका पद्धति के खिलाफ चलने वाला कपिल साहब और सभी का नेतृत्व लेकर चलने वाला आंदोलन हमारा श्रमिक जनता संघ भी मानता है, तो ये भी शामिल है। हम लोग ये समझे कि बाबा साहब की हो या गांधी जी की हो, सोच में एक प्रकार की समानता है। कई लोग बहुत ही हेलमेट जाएंगे ये सुनकर। मुझे लगता है कि आज वो समय नहीं है कि गांधी और अंबेडकर, गांधी और शहीद आजम भगत सिंह के बीच में हम ऐसे विभाजन करें कि सबका मार्गदर्शन लेकर वैकल्पिक अर्थव्यवस्था और राजनीति की जनतंत्र और संविधान के दायरे में हम सोच ही नहीं पाए। आज जरूरी है ये सब चीजों के आधार पर सोचना। तो जो ये ठेका पद्धति है, ये ठेका पद्धति श्रमिकों को इस गैर बराबरी के तहत बंधक मजदूर बनाने की पद्धति है। इस देश में बॉन्डेड लेबर एक्ट भी है, लेकिन कौन इसका पालन करता है? स्वामी अग्निवेश जी आज नहीं रहे, पर उन्होंने जो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठाया और जो अनुभव किया सुप्रीम कोर्ट में वकील साहब, उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचूंगा। आज तो उससे ज्यादा बात आगे गई है। जनतंत्र के चारों स्तंभ, हम तो मानते हैं कि पांचवा नहीं पहला स्तंभ जनता ही होना चाहिए, उसको छोड़कर चार स्तंभों की बात बहुत जोर शोर से होती है, हर स्तंभ को कुछ न कुछ दीमक लग रही है। तो अभी जनता का जन स्तंभ ही खड़ा होना सबसे बड़ा, क्योंकि जनतंत्र अगर होता है तो संविधान बचेगा। अन्यथा बाबा साहब ने ही जो कहा था कि अगर यह संविधान नहीं पालन किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो गाड़ दो इसको। आज ऐसा ही लगता है जब दिल जलता है कि उसमें संविधान के भी मूल्य जलते हैं। एक याचिका लगी हुई है कि सर्वधर्म समभाव या धर्म निरपेक्षता और समाजवाद, जो 1976 में शब्द नहीं मूल्य ऐड किया गया संविधान में, उन दोनों को हटा दो। तो आप समझ सकते हैं कि वैकल्पिक संविधान भी शायद हिंदू राष्ट्र का तैयार रखा हुआ होगा। क्या होता है अगले चुनाव में ये देखने तक वो चुप बैठेंगे, उसके बाद चिल्लाएंगे। आज ये ठेका पद्धति जो है वो कौन से क्षेत्र में नहीं है, ये पूछने की बात है। ठेका पद्धति हर कारखाने में आ जाएगी। हमारी 6 साल से जो संघर्ष की चल रही है मध्य प्रदेश में, कुमार मंगलम बिरला सबसे ज्यादा पुरस्कृत उद्योगपति बने, वो घनश्याम दास बिरला की मान्यता नहीं रखते। आज वो लाखों रुपए हर महीने कमाने वाले 7 कंपनियों के सीईओ 2 बार फर्जी बिक्री करते हैं अपनी मिलों की, और जब पहली बार हम हराते हैं तो 4 साल मिल्स बंद होते हुए सेंचुरी की याद और देने की हम लोगों को उनको तनख्वाह देना पड़ता है 1,000 श्रमिकों। लेकिन दूसरी बार करने के बाद अभी हमारी लड़ाई जारी है, जीत गए तो अपील में गए हैं, कोर्ट कानूनी और मैदानी दोनों लड़ाई का आवरण मैदान हो गए हैं। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कि नई मिल जो खरीदने वाला है वो पूरी 2 मिल्स अब ठेका मजदूरी पर चलाता है। कारण क्या है? कारण तो एक ही है कि मुनाफा बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा काम लो और कम से कम दाम लो, समान काम समान वेतन, इसका भी कोई भी आज असर नहीं है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 के 25वें क्या वो
बात है, धारा में लिखा है वो बात है। तो कौन इसका भी आज अमल कर रहा है, इसमें ठेका मजदूर भी हो तो भी कौन से प्रकार के काम में होने चाहिए, जहां थोड़े समय के लिए सीजनल वर्कर के रूप में रखते हैं उन्हीं को, या थोड़ा समय काम एक प्रकार का लेकर फिर छोड़ देना है उनको, काम उतना ही समय का है उनको, नियमित और साल भर काम करने वालों को ठेका मजदूर नहीं रख सकते। ये कानून शहर हमारा है नहीं उसका। भानु प्रताप जी हमें मदद कीजिए, हर जगह जहां ठेका मजदूर है हमारे सफाई कामगार, महाराष्ट्र में ठाणे और कल्याण महानगर पालिका में सफाई कामगारों की बात अभी अभी उठाकर हुआ है, सभी कर्मचारियों के संघ भी हमारे साथ है स्वागत करने के लिए, नहीं आयुक्त महोदया से बात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा हम सब लोग अभी ठेका नहीं जाने वाले हैं, जा रहे हैं। प्रोफेसर दौड़ गया है, अरे दीदी हमारी भी बात उठाओ, हम भी तो कॉन्ट्रैक्ट लेवल है, 18,000 प्रोफेसर महाराष्ट्र में ठेके पर हैं, हर 9 महीने के बाद उनको फिर से नौकरी के लिए कोशिश करनी पड़ती है। शिक्षा क्षेत्र में हमारे पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र में सतपुड़ा और विंध्य में जहां हमारी जीवन शाला चलती है, झूठे आरोप पैलेसिस का एक लड़का लगाता है हार गया, लेकिन जब जीवन शाला चलती है इनकी एक शिक्षक की शाला, बस्ती शाला, नए नए नाम देकर कुछ समय में बर्बाद हो जाती है, क्योंकि हर साल अगर शिक्षक को फिर से कोशिश करनी पड़ती है, खिसा भरना पड़ता है किसी का, तभी होती है ठेका, शिक्षक की भी जिम्मेदारी। तो उन बीच में क्या आदिवासी बच्चे शिक्षा की आदत भूल नहीं जाएंगे, ढोरों के और बच्चों के पीछे नहीं जाएंगे, आज यही हो रहा है। और फिर ये कहना कि अरे कम बच्चे वाली शाला मत करते हैं, महाराष्ट्र 4,000 मध्य प्रदेश ने 7,000 का आंकड़ा जारी किया था कि कम बच्चे हैं, अरे पहाड़ी आदिवासी बच्चे जो हमारी जीवन शालाओं से 6,000 पास हुए, कोई डॉक्टर बना, कोई फॉरेस्ट गार्ड बना, कोई क्रीड़ा पटु, तो कई सारे बने, शिक्षक बने, कार्यकर्ता बने, मछुआरा संगठनों के हमारे संचालक बने, लेकिन इनको लगता है कि थोड़े बच्चों की शाला हो तो निवासी करके पूरी सुविधा देने के बदले ठेका शिक्षक पर चलाए और उससे शिक्षा बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज खदानों से लेकर उत्तराखंड के जो 41 मजदूर अंदर पड़े हुए थे, जिनको किसने बाहर निकाला, अमेरिका के इंजीनियर से नहीं, और मंदिर टूटा था इसलिए नहीं अटके थे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का वो कारण था, नतीजा था, और उनको वकील हसन साहब से लेकर बहुत सारे मुसलमान मजदूरों ने ही बचाया। ये बात तो मैं क्या कहूं, जो भाई साहब ने तड़पते हुए बात रखी, लॉकडाउन में भी हमने देखी कि अंत्य संस्कार वही करते थे, जो बाद में मध्य प्रदेश में हिंसा हुई, दंगा हुआ, तो उन्हीं को जेल में डाला गया जिन्होंने कभी हिंदू और मुसलमान नहीं देखा, आजादी आंदोलन में भी नहीं देखे गए थे ना, झांसी की रानी के 1857 की क्रांतिकारी आंदोलन में। खैर ठेका मजदूरी पर आते हुए हम लोग ये देखे कि ये ठेका मजदूरी जो सब जगह पे है, एक प्रकार का आउटसोर्सिंग, हमारे रेलवे के कैटरर्स यहां बैठे हैं जिनका अंग्रेजों के समय से ठेका नहीं, सरकार से दिया हुआ कार्य चल रहा है, रेलवे के कैटरर्स गरम गरम समोसा खिलाने वाले, एक एक प्रकार से मैकडोनाल्ड हो कि फूड प्लाजा हो, इनको खत्म करने की साजिश चली। हाँ ममता बनर्जी रेलवे मंत्री हुई तो कुछ बच पाया, एक एक स्टॉल अरे का गुप्ता जी जैसे, लारी जी जैसे, युवराज नारायण जी के साथ ही रहे, इन्होंने लड़कर कुछ बचाया है, पर आज रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी तिजोरी भरने वाली संस्था, लेकिन आज उसका हर काम एसी कंपार्टमेंट में चद्दर देने का काम हो या सफाई का हो, जो ठेके पर देते हैं उसके तहत क्या चल रहा है
ये सोचने समझने की हमारे लिए जरूरत है। आज इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो लाखों करोड़ की लूट बताई गई है उसको फिर से दोहराने की जरूरत नहीं। ठेके पर जो आता है उसको पूछिए कि आपको क्या सोने की भी सुविधा दी जाती है। अरे नहीं भाई, 48 घंटों तक काम करना पड़ता है, कौन मंजूरी देता है? हम अगर उठे नहीं 2 बजे तो हमको निकालने की बात करते हैं। और जिस रिसीट पर साइन लेते हैं, अरे आवाज तो सुनाई दे रही है, तो आवाज तो लड़ेंगे। तो ये जो एक रात बेरात काम करवाने की साजिश है वो ठेका मजदूरों के साथ ही होती है, न केवल रेलवे जैसे सार्वजनिक उद्योग में, लेकिन स्थानांतरित मजदूरों की बात आप सोचिए। ये कानून 1969 का कौन अमल में लाता है? लॉकडाउन की जो बात हुई, महाराष्ट्र से निकलकर हजारों किलोमीटर तक चलने वाले किस कानून के आधार पर चल रहे थे? जो कदम उनको लेके जाता है वो ठेकेदार ही होता है, और वो आकर कुछ पैसा देकर 3 महीने के लिए लेके जाता है, ना लाइसेंस होता है तो कोई भी लिखा पड़ी नहीं होती। तो कितने महीने, कितने घंटे के काम के लिए, कितने वेतन के आधार पर ले जा रहा है, कब छोड़ा जाएगा, आने जाने का खर्चा वो करेगा क्या? और जो मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है उनको ही पूरी जिम्मेदारी सबसे लेनी है अगर ठेकेदार ने गलती की, पर उनका भी रजिस्ट्रेशन इस कानून में जरूरी होते हुए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ठेका मजदूरी स्थानांतरित मजदूर पर थोपी जाती है उनके हालात तो न सोचने जैसे। हर साल मैं उनकी टुकड़ियों को छुड़वा के लाती हूँ, 50 टुकड़ियों को गुजरात से छुड़वा के लाया, और फिर ये चली रहे थे तो देखा कि हमको उपवास पर बैठना पड़ा, और चौथे दिन से फिर बसेस चालू हो गई, हर ट्रक में बैठना चालू हो गया, और एक को भी हम चलने नहीं देंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, ऐसे कहेंगे 2000 किलोमीटर चलना बचाएगा। लेकिन बिल्कुल सही है, सब वापस आ गए, हाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि योगी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए, भाई 1.5 करोड़ नया रोजगार निर्माण किया। कहा भाई एक एक जिले का मैं आपको सूची बताकर देती हूँ, आज भी फोन आ रहा है, एक जिसको की पत्नी ने छोड़ा नहीं, माँ पिताजी ने छोड़ा नहीं, अब तुम वापस नहीं जाओगे, वो बोल रहा है बंगाल का कि मैं आत्महत्या करूंगा। दीदी कितने चरणों तक मैं खबर पहुंचाई बंगाल में, लेकिन कोई रोजगार नहीं दे रहा है। आप समझिए कि ये ठेका मजदूरी के तहत स्थानांतरित मजदूरों के साथ क्या होता है। गन्ने के लिए जो जाते हैं काटने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी शिक्षा तो छूटी जाती है, माँ पिताजी की सेवा नहीं कर सकते हैं, और जहां उनको गन्ने के खेत में छोड़ा जाता है वहां बीमार पड़े तो डॉक्टर तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, केवल गेहूं या बाजरी देते हैं। पर कानून क्या कहते हैं? दोनों कानून कहते हैं कि कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे कैंटीन क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की कैंटीन जैसा होता? कोई व्यवस्था नहीं होती। मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, नहीं होती। और अगर ऐसी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स किसी भी क्षेत्र के हो उनके लिए नहीं देना होगा तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए, ये कानून कहते हुए भी कहीं भी ऐसी एक्शन नहीं होगा। एक एक मुद्दा इस कानून का जब तक कानून है तब तो कम से कम लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लॉयर्स और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के लिए अधिवक्ता ऐसी एक टीम बना चुके हैं, उन्होंने भिड़ना चाहिए, ये हमारा श्रमिकों का मानना है। आज हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के, ये सभी को अल्पसंख्यक मानते हैं। हाँ बिरसा मुंडा के पुतले खड़े करते हैं, टंट्या मामा के पुतले खड़े करते हैं। अरे टंट्या मामा आज होते तो अदानी और अंबानी की तिजोरी लूटते जैसे ब्रिटिशों के लूटते थे, पर वो तो कोई है नहीं आज। आज हम लोगों को ये देखना चाहिए इसलिए कि ये जो
कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनते हैं दलित आदिवासी, वो भी क्यों बनते? बाबा साहब ने तीन मुद्दे अधिकार के सबसे महत्व के माने थे, जीने के अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके तहत एक शिक्षा, एक अपने हाथ में है उन संसाधनों पर अधिकार, और तीसरा रोजगार। ये तीनों का अधिकार ये संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था बनेगी तो निश्चित रूप से अमल में लाई जाए। बाबू प्रताप जी, मेहरोत्रा जी, आप ये नॉन जस्टिसिएबल जो है उसमें से नॉन निकाल दो, इसके लिए भी आग्रह करना पड़ेगा, तो संविधान पूरा व्यापक अर्थ से अमलीकरण से विकल्प इस देश को लाएगा, इस देश को बचाएगा। आज इसलिए ये समझना जरूरी है कि जल जंगल जमीन खनिज जमीन के नीचे का ये सब का अधिकार भी कहां है लोगों को जो पीढ़ियों से रहते आए, चरागाह पर ढोर चराने वाले दलित हो, पशुपालक हो, खेत में काम करने वाले, अपना छोटा सा घर 10x15 फीट का बनाकर रहने वाले दलित, उनको कहां है अधिकार घर के नीचे के जमीन पर? आज हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन चलता है मुंबई में, बाहर बिल्डर के साथ हमको लड़ना पड़ता है, ये बिल्डर को भी गरीबों के घर बनाने का ठेका सरकार देती है ना। हर राज्य में जो हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें सैकड़ों इंजीनियर्स होते हुए सरकार ये जिम्मेदारी नहीं देती, हाँ घोषणा करती है 2022 तक हर किसी को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना 1.5 लाख देती है जो 10 लाख के बिना ठेकेदार घर नहीं बनाते। तो आप देखिए कि शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, आवास, सब सब में संरचना के नाम पर जो हाईवेज और फ्लाईओवर बनते हैं इन सब में सरकार खुद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर से छटक कर जिन ठेकेदारों को दे रही है उसके लिए ये करोड़ों रुपयों का बजट हर बजट में दिखाते हैं, क्योंकि उनको जितना ज्यादा मुनाफा बनेगा, और दो बजट के बीच में उनके पक्ष में कानून बदलते हैं, 3 मिनट में संविधान संसद में कानून बदलता है, इसलिए हम तो संसद बाह्य राजनीति में बढ़कर संसद में जो है उस पर ध्यान रखना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि आज कानून भी कैसे बदले जाते हैं। जंगल सुरक्षा कानून 1980 बदल गए, सबने सुना होगा कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना अब जंगल कितने भी हेक्टर्स बाबा रामदेव को दिया जाएगा कि अडानी को दिया जाएगा कौन जाने, पर केवल उतनी बात नहीं है, उसमें और एक महत्व की बात है जो आपने समझना जरूरी कि सभी इंटरनेशनल सीमाएं जहां जहां है भारत में उससे 100 किलोमीटर अंदर तक की जो जमीन है वो सब जमीन केंद्र सरकार के अधीन होगी। तो फेडरलिज्म, संघात्मक राज्य संरचना, इसमें न केवल कम्युनिटी के जिनको स्थानीय स्वराज्य संस्था कहते हैं उनको ही, उनके ही केवल अधिकारों को नहीं नकारा जा रहा है, राज्य सरकारों के भी अधिकारों को नकारा जा रहा है। जीएसटी का उनका हिस्सा उनका नहीं मिलता है तो एक प्रकार से उनकी तिजोरी भी लूटी जा रही है, पर आज हम देख रहे हैं कि ये जल जंगल जमीन ये 45% देश की जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक की अगर केंद्र के हाथ में जाएगी तो ये जो केंद्रीकरण हो रहा है अर्थव्यवस्था में वो सबसे बड़ा कारण है विभत्स गैर बराबरी का, लूट का, और बेरोजगारी या अर्ध रोजगारी का, और इसका हमने विरोध करना है तो हमको विकेंद्रीकरण के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है, और इसलिए हम गांधी के ग्राम स्वराज को भी याद करते हैं। बाबा साहब ने भी तो पहाड़ में 14 तलाई का संघर्ष क्यों किया कि स्थानियों को पीने के पानी पर पहला अधिकार होना चाहिए, तो हम लोगों को रोजगार भी ये स्थानीय संसाधनों से मिलना चाहिए, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है, और अगर मनरेगा के तहत भी ऐसा प्लानिंग हो सकता है पर मनरेगा के 1,10,000 करोड़ से लेकर वो 78,000 में आए और उससे भी कम 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 करते गए, तो ये जो हो रहा है वो ठेका मजदूरी में भी किसको मुनाफा
ज्यादा देना और किसकी लूट करना, इसके तहत आयोजित संरचना और व्यवस्था है, प्रॉफिट ओवर पीपल, जो नोआम चॉम्स्की ने कहा। अब प्रॉफिट ओवर नेचर भी है, और उसके जो भी आघात हो रहे हैं, 10 साल में 5-6 सुनामी आती है, तूफान आते हैं, तो कौन भुगतता है? यही भुगतते हैं हमारे मछुआरे हो, हमारे पशुपालक हो, हमारे वनोपज पर जीने वाले आदिवासी हो, हमारे शहरी गरीब बस्तियों के लोग जो पूरी बस्तियां सजाते हैं, शहर सौंदर्य करते हैं, प्रगति मंडप प्रगति मैदान में सभी राष्ट्र प्रमुखों के लिए खड़ा करते हैं, वो निर्माण मजदूर आज क्या भुगत रहे हैं? उनकी ठेकेदारी किसके हाथ में है? बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स, और उनके हाथ में हाथ किसका मिलता है? राजनेताओं का। और इसके तहत जो लूट होती है वो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं एक एक स्लम रिहैबिलिटेशन में भी, और ये ठेके पर काम में रखे हुए निर्माण मजदूर, लॉकडाउन में भी हमने देखा कि 36वें मंजिल पर जाकर वाटर प्रूफिंग करने वाले, उस गोदरेज की स्थिति हो या नांदेड़ की स्थिति हो पुणे की, वहां अपने टिपकते हुए टिन शेड में 10x20 के कैसे रहते हैं, चूल्हा भी नहीं जलता है, बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। तो 100 रुपया ज्यादा मिलने के लिए जिनको पलायन करना पड़ता है, वो भी ठेका मजदूरी के भ्रम में और घेरे में घेरे जाते हैं। इस पलायन को रोकना, और उसके लिए अनुच्छेद 43 में भी जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, जो गृह उद्योग है, ग्राम उद्योग है, छोटे उद्योग है, उसको ही बढ़ावा देना, प्राथमिकता देना, ये बहुत बेहद जरूरी मांग ठेका मजदूरों की एकता की भी होनी चाहिए। मैं कहूंगी कि बस ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो नहीं होती है, पर दूसरी बात होती है कि ठेका मजदूरों को किस प्रकार से ये बर्ताव करते हैं, ये हायर एंड फायर का मतलब। इसलिए रोजगार मतलब निश्चित रोजगार चाहिए कि अनिश्चित चाहिए, ये अनिश्चिति ठेका प्रथा में सबसे ज्यादा है। और अभी अगर 29 कानून 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों में से जो वापस लेने की साजिश चल रही है, हाँ 2024 तक शायद रुके होंगे, वो डर रहे हैं क्योंकि असंगठित जिनको कहा जाता है वो असंगठित नहीं है, वो असुरक्षित है, और उनकी संख्या अभी तो हमारे हिसाब से 95% से ज्यादा हो गई। 2008 में ऑस्कर फर्नांडिस जैसे श्रम मंत्री थे तो हम उनके साथ बैठकर अधिकारियों को बिठाकर 2008 के कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए, फेरीवाला कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए, कुमारी शैलजा थी, मीरा कुमार थी, तब की बात है। लेकिन आज ऐसे कोई मंत्रालय में दरवाजे खुले नहीं है कि जो बाहर संघर्ष करने वालों के भी साथ संघर्ष नहीं संवाद करे और फिर उससे कुछ नतीजा निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो कानूनों अभी वापसी के एक तरफ ले जा रहे हैं, जबकि किसानों के ऊपर 3 कानून थोपे थे, उनमें उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून भी था, समझ लीजिए खेती में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती चले, खुद बच्चा पढ़ा लिखा है तो क्या हो, कृषि विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है, नहीं आ सकता है। हम तो हमारे वापस आने वाले बच्चों का स्वागत करते हैं और कहते हैं आप ड्रॉप आउट्स नहीं, आप ड्रॉप इन्स हैं, अब आइए समाज के लिए, कृषि नहीं प्रकृति के आधार पर अपने गांव का विकास करने का, समता सादगी स्वावलंबन, ये 3 मूल्यों की चौखट में आप पूरा अपना जान झोंक दीजिए। लेकिन आज ऐसा न हो ऐसी व्यवस्था चल रही है, और इसी के लिए ये जिस प्रकार से आज बात आगे बढ़ा रहे हैं वो बड़े बड़े कंपनियों को ठेकेदारों को एक प्रकार से जो मुझे तो अनिश्चित काल का बस मुझे ही जाना है, बस ट्रेन पकड़ उदयपुर में पहुंचना है, पर फिर भी मैं 5-1 मिनट और लेना चाहती हूँ। बहुत अहम मुद्दे ये है कि ये ठेका पद्धति के द्वारा ये जो जल जंगल जमीन का छीनना, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में बदलना, और हर क्षेत्र में शिक्षा हो स्वास्थ्य हो जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र माना जाता,
कई सारे देशों में आज उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का बजट 18% से 30% पर है, और हमको शिक्षा में 6% बजट कोठारी कमीशन से जो मांग चलती आई है वो भी लाने के लिए लड़ना पड़ता है। आप सोचिए, ये निजीकरण का मामला सबसे बड़ा आधार है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, और ये निजीकरण कहां तक गया है, मतलब कोरोना में लॉकडाउन में पीएम केयर फंड बनता है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है, उसमें अगर बिरला भी डालते, टाटा भी डालते, अंबानी भी डालते, अडानी भी डालते तो चल जाता, लेकिन उससे तिजोरी नहीं बनती है। पीएम केयर फंड निजी फंड तैयार होता है जिसमें जो बिरला सही रोजगार के लिए 50 करोड़ मशीनरी में लगाने का नहीं चाहते हैं, इसलिए फर्जी बिक्री करते हैं दूसरे में, आदित्य कैपिटल, सीमेंट, पल, रियल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में जाते हैं, वो यहाँ बाकी 500 करोड़ से 1500 करोड़ देते हैं निजी फंड। तो आप समझिए कि दो के बीच में फर्क क्या है और किस कारण ये रोजगार निर्माण का जो मुख्य आधार रहा है वो सार्वजनिक उद्योग कैसे खत्म किया जाए। अब केवल सरकार 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 ऐसा नहीं कह सकते, पर मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, यही संविधान मानता है, और सरकार के अलावा विकल्प केवल कंपनियों का नहीं, सहकार भी एक विकल्प है। एक एक बस्ती, एक एक गांव, ये सहकार सबसे ज्यादा दिखाने वाला क्षेत्र है। हाँ, जातिवाद कहां नहीं है भाई, कुआं खोलने के लिए, मंदिर खोलने के लिए भी लड़ना पड़ता है, कईयों ने जान गंवाई है। साने गुरुजी हमारे महाराष्ट्र के जो नहीं कर पाए तो आत्महत्या करके चले गए, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ वो उनकी ही मुनाफाखोरी के लिए करते हैं, जिससे ये भी अपनी तिजोरी भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो बीएसएनएल जब गया तो एक कलकत्ता डिवीजन में हमारे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने 55 आत्महत्या कर दी। एक साल में ये पैंडेमिक के 153,000 श्रमिकों की आत्महत्या हुई, और दूसरी बाजू मृत्यु हो रही। जो विकास भरपूर भरपूर सौंदर्य लाता है और ऊंचे ऊंचे महल बनाता है, जिसमें निर्माण मजदूर, ठेका मजदूर ही काम करते हैं सबसे ज्यादा, उसको लेकर ये विकास का मंत्र चलाते हैं, पर प्रत्यक्ष में उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, ये आर्थिक क्लाइमेट बदल रहा है, ये पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल रहा है, और सामाजिक क्लाइमेट की भी बात करते हैं जो माइकल जी से शुरू होकर रखी गई है, तो इन सब के कारण जो जलवायु परिवर्तन आया है उसमें कौन मृत्यु भुगत रहे हैं। 2020 में 1338, 2021 में 1750, 2022 में 2220, ये केवल मृत्यु का आंकड़ा सरकार के दफ्तर में है, जिसको कोई नहीं मान सकता। हंगर इंडेक्स में अगर 111वां नंबर गया तो उसको ये नहीं मानते हैं, पर उनके अपने आंकड़े को बहुत आगे बढ़ाते हैं, जीडीपी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ इंडेक्स को बढ़ाते हैं। हम लोग ये ट्रिलियन इकोनॉमी के भ्रम में नहीं आने चाहिए, हम लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबका अधिकार देने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और उसके लिए अनुच्छेद 47 देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना चाहिए, सकस आहार खिलाना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। हर धर्म गुरु ने भी ये कहा है शराबबंदी, तो हमारी महिला तो शराबबंदी के लिए तड़पती रहती है क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा हिंसा। खनिज के खदानों में मजदूर एक तो ऐसे मृत्यु पाते हैं, ये तो बात सामने आती है, लेकिन ये नहीं सामने आता है कि खदानों के कारण मजदूरों की बस्तियां हो, गांव हो, राजस्थान में हो कि उत्तर प्रदेश में हो कि मध्य प्रदेश में हो, उत्तराखंड तो खंड खंड हो रहा है, कैसे भुगतते हैं। आज उन खदानों के कारण भी बहुत सारी गड़बड़े हो रही है। हम ये जरूर इसीलिए कहते हैं कि किसानों को सही दाम चाहिए। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, जिसकी कार्यकारिणी की मैं भी सदस्य हूँ, 13 महीने यहाँ डेरा डालकर जो संघर्ष हुआ, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया अपने अपने फ्रंट से, कुछ पार्टियां जरा दूर रही, दूर से देखती रही, 750 किसानों की शहादत स्वीकार की, लेकिन आज भी रोज हजारों एकड़ खेती छोड़ने का मजबूरी होके
उनके बेटे या तो बोलेरो खरीदो दादा, क्यों खेती कर रहे हो, छोड़ दो, कुछ नहीं कमाई करते हैं, ये कहकर फिर बेरोजगार हो जाते हैं या तो फिर ठेका मजदूर बनते हैं। इसमें कैसे हम लोग खेती बचाओ देश बचाओ भी सोचेंगे, ये भी सोचना जरूरी है। उसकी बहुत सारी बातें हैं, मैं उन सब पर न जाते हुए यही कहूंगी कि ये प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ आज जो जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, उस हिंसा में अर्थात जातिवाद, जो सुमित भाई ने बात रखी वो तो है ही, धर्म भेद है, हर अस्मिता को उछालते हुए अस्तित्व के सवाल उठाने के लिए जो एकजुटता जरूरी है, वो ठेका मजदूरों में न हो, वो पूरे श्रमिकों में न हो, वो श्रमिक संगठन और किसान संगठनों में न हो, इसकी तमाम कोशिशें उनकी चल रही है, ये साजिशें हैं, केवल कोशिशें नहीं। और इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे नहीं है, हमने तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा और सभी श्रमिक संगठन इनके बीच का भी एक मोर्चा बनाया और 26 नवंबर संविधान दिवस से 28 नवंबर तक पूरे देश भर वहां पड़ाव चले, पर आज वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की एकजुटता हो, क्योंकि अस्तित्व के सवाल अगर उठाने हैं तो ठेका मजदूरी रद्द करो, निजीकरण खत्म करो, सरकार और सहकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो संविधान का मार्गदर्शन है उसके तहत रोजगार निर्माण के अलग अलग कोशिशें करो। केवल हम बेरोजगारों को ये देंगे 1000 रुपया, बेरोजगार महिलाओं को और लाडली बहना के 1000 रुपए दें, ये हमको मंजूर नहीं है, ये भीख नहीं, हमको हक चाहिए, ये हमको कहना चाहिए। आखिरी मुद्दा है आरक्षण, आरक्षण आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा आज चल रहे हैं 10,000 आदिवासी धनगर उनको एसटी में प्रवेश न देने के लिए उसके खिलाफ, तो धनगर विरुद्ध आदिवासी हो गए, मराठा समाज लड़ रहा है तो मराठा विरुद्ध ओबीसी हो गए, पसमंदा मुसलमान भी चाहते हैं, दलित क्रिश्चियन भी चाहते हैं, हर समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है। बाबा साहब ने आरक्षण की बात एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में रखी, जो सही में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो जरूरी भी था। ये देश जो जातिवादी व्यवस्था से ही निकलकर आजाद हो गई तो तत्काल जादू नहीं होने वाली थी, लेकिन आरक्षण की मांग आज हर किसी को ब्राह्मण समाज भी मांग रहा है, ये क्यों करना पड़ रहा है? बाबा साहब ने कहा था मैं ब्राह्मणों के विरोध में नहीं हूं, मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में, ये ब्राह्मणवाद, और महात्मा फुले ने कहा था कि शेठ जी और भट्ट जी दोनों के साथ संघर्ष करे बिना हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो साथियों आज ये दोनों के साथ एक साथ लड़ना पड़ना जरूरी है, लेकिन ये क्यों हो रहा है आरक्षण की मांग, इसको भी एक साजिश के तहत उछालने का काम हो रहा है, ऐसा मेरे जैसे को हमारे जैसे संगठन को लगता है, क्योंकि यूनिवर्सल पॉलिसी ठीक नहीं है। सभी श्रमिकों को ठेका मजदूरों के साथ अगर सही दाम मिले, सही काम मिले, अगर 4 कानून कमजोर आएंगे ना, 29 कानून वापस करके मैं आधे में बात छोड़ी हो, तो महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट दी जाएगी, यूनियन बनाने का अधिकार सही नहीं मिलेगा, यूनियन में कोई वकील को ले लो, कोई कार्यकर्ता को ले लो, इसका भी कम अधिकार मिलेगा, और तो और जो अपघात सहन करेंगे उनके 105 के बदले 29-30 अपघात ही बीमारियां ही मानी जाएगी जो काम करते करते भुगतने पड़े। बहुत सारी बातें बदलने वाली है, वेलफेयर बोर्ड्स तमिलनाडु महाराष्ट्र केरल में सबसे ज्यादा है, पर उसको भी खत्म किया जाएगा, वो बीड़ी श्रमिकों का हो या और निर्माण मजदूरों का हो। जो सरकारें स्टालिन जैसी थोड़ी सी अपना आग्रह रखती है उस वहां थोड़े बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो ये सब जो हो रहा है उसके तहत जो अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा उसके बदले में ये अस्मिता में और आरक्षण में घेरना चाहते हैं, और एक के खिलाफ एक खड़े रहने से जाति निर्मूलन की तरफ जाना तो भूल ही जाएंगे लोग, धर्म भेद मिटाना, सर्वधर्म समभाव कम से कम मानना, ये भी भूल जाएंगे लोग, ऐसी इनकी साजिशें हैं। और इसीलिए ठेका पद्धति में तो निजी कंपनियों में आरक्षण है नहीं,
ठेकेदारों के ठेका मजदूरों में आरक्षण है नहीं, हमारे सफाई कामगारों का मैनुअल स्कैवेंजर में नीचे उतर के मर जाते हैं, उनका जो संघर्ष चल रहा है उसकी कितनी बात मैं कहूँ, अभी ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, पर कोर्ट के आदेशों का भी पालन आजकल नहीं होता है, उसके लिए भी लड़ना ही पड़ता है, और इसीलिए ये सभी आंदोलन में आप हमारा साथ देंगे। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं कि श्रमिकों को नहीं, मैं एक ही बात और आपको खोल कर दिखाकर खत्म करना चाहती हूँ। देखिए, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ये जो कारण दिया जाता है उसके खिलाफ हमें ये मांग करनी चाहिए। 1% सबसे धनी लोगों पर अगर ये 2% संपत्ति कर लगाएंगे तो 7.5 लाख करोड़ रुपया हर साल तिजोरी में आएगा, और वारसाई की संपत्ति का जो आदान प्रदान होता है उसमें भी अगर वो लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसमें भी टैक्स द रिच, अभी जो अंग्रेजी मिले आज दिल्ली में मैं वो लेके आई, लेकिन ये नहीं, ये होता है तो 9.5 लाख करोड़ रुपया आएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब कोई ठेकेदारी देने की जरूरत नहीं है, किसानों को देने के लिए हमारे पास MSP देने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए पैसा नहीं है, ये कहने वाले झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हम लोग सच बोलेंगे और हम लोग ये समझेंगे कि उनकी दुनिया और हमारी दुनिया अगर अलग है तो ठेका मजदूरी जैसे जो सबसे ज्यादा शोषित पीड़ित है वो शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में निजीकरण के तहत न अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं लाखों रुपए देकर, न मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, नहीं आरक्षण ले सकते हैं SC ST भी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये दो दुनियाओं में जो फर्क है वो दिखाकर वैकल्पिक के लिए जाना है। तो मेरे आपको सुझाव है, आप जगह जगह पहुंचिए, आंदोलन के तहत पैनल्स बनाकर, और वो पैनल्स अगर जगह जगह जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम करेंगे और एक पूरा रिपोर्ट आज जो है उसका भी लोगों के सामने आएगा तो बहुत बड़ी बात है। स्थानीय स्वराज्य संस्था, पंचायत राज जिसको कहते हैं 3 स्तरीय, उनको अगर स्थानीय खरीद से लेकर हर संसाधन पर हक मिलेगा तो ये मणिपुर जैसा हिंसा से भी हम बच पाएंगे। मणिपुर की हिंसा इसलिए हुई है कि कुकीज के नीचे जो खरीज है, मेरे पास पूरा डेटा है कि MOUs कितने हो गए थे 2017 से खास करके, और वो नहीं उनकी जमीन देंगे, इसलिए मैती जी को भी आदिवासी बनाकर आदिवासी आदिवासी से जमीन खरीदेगा और खरीदने देगा, ये अच्छा से हुए। हम लोग ये भी चाहते हैं कि राजनीति कोई भी सरकार हो पर उसके सामने जन आंदोलनों की राजनीति, संसद में कोई न जाए, विधानसभा में न जाए, ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन आज अगर वहां 3 मिनट में कानून बदलता है, कोई भी कानून 2 बजे के 2 संसद सत्र के बीच में बदलते हैं, तो फिर हमको जन आंदोलनों की राजनीति भी जारी रखनी चाहिए। और इसीलिए जावेद अख्तर जी के जो गीत है उसकी 2 लाइनें ही आखिरी सुनाती हूँ कि एक हमारी एक है उनकी, मुल्क में है आवाजें दो, अब तुम पर है कौन सी तुम आवाज सुनो तुम क्या मानो, एक हमारी एक है उनकी, वो कहते हैं भूले बिसरे मंदिर मस्जिद याद करो, हम कहते हैं बेघर बेदर इंसान को आबाद करो, आबाद करो। ज्यादा समय लेने के लिए माफी चाहती हूँ और प्रियंका जी और सभी साथियों को धन्यवाद देती हूँ। लड़ेंगे।